आज हम देखेंगे सीड प्लांट्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, सीड प्लांट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ के ओरिजिन के बाद प्लांट लाइफ जो है शुरू हुआ था एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, मतलब जलीय वातावरण में सबसे पहले लाइफ शुरू हुआ था। ठीक है, किसके रूप में? बैक्टीरिया के रूप में। सबसे पहले बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ उसके बाद पहला किसका ओरिजिन हुआ? बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, इन द आर्कियोजोइक एरा। आर्कियोजोइक एरा में सबसे पहले आर्कियोबैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ जलीय वातावरण में। ठीक है, उसके बाद प्रोटीरोजोइक एरा में, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ऐसा देखा गया, सबसे पहले आर्कियोबैक्टीरिया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद एक्वेटिक एल्गी, का ओरिजिन हुआ। फिर सिल्यूरियन पीरियड में सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखा गया। ठीक है, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसा माना जाता है कि सिल्यूरियन पीरियड्स में सबसे पहले पाया गया, फर्न, टेडोफाइट इसका एग्जांपल है। ठीक है, ऑल दिस प्रिमिटिव वेयर सीडलेस, इतने सारे चीज़ें जो बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, जो भी टेडोफाइट्स था सब सीडलेस था, किसी में सीड प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स पाया जाता है जिससे पूरा लाइफ साइकिल इनका कम्प्लीट होता था। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाने लगा, तो उसके बाद जाइगोट बनता है, लेकिन सीड नहीं बनता था, फिर भी सीड्स नहीं बनता था। सिलेजिनीला सबसे फर्स्ट प्लांट्स ऐसा देखा गया टेडोफाइटा में, सिलेजिनीला, जिसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते थे। कुछ स्पोर्स बहुत ही छोटे छोटे बनते थे जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, और कुछ बड़े बड़े स्पोर्स रहता था जिसको बोला जाता था मेगा स्पोर्स। ठीक है, सबसे पहला टेडोफाइट सिलोजिनीला सिलेजिनीला था, जिसमें दो टाइप के स्पोर्स देखा जाता था। उसके पहले तक जितना भी हम देखे हैं सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के स्पोर्स होता है इसको ऐसा माना जाता है कि सीड की ओर धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर्स जो है रिलेटेड टू सीड हैबिट। उसके बाद उसमें क्या होता था, मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, जिसके अंदर छोटे छोटे जो स्पोर्स होता था उसको माइक्रोस्पोर्स बोला जाता था, और जो बड़े बड़े स्पोर्स होता था उसको मेगास्पोर बोला जाता था। ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स जिसके अंदर रहता था उसको बोला जाता था माइक्रोस्पोरेंजियम, और बड़े बड़े स्पोर्स जिसमें होता था उसको बोला जाता था मेगास्पोरेंजियम। और धीरे धीरे मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स रहता था, उस मेगास्पोर्स से स्पोर्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन से ओव्यूल बनता था, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता था। इस टाइप से सीड का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक मैच्योर सीड्स में क्या रहता है, सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी सीड्स जब पेड़ लगाने के लिए कोई भी सीड्स लगाते हैं तो उसके अंदर पतले एम्ब्रियो रहते हैं, उसी से पेड़ निकलता है ना, इसलिए सीड्स के अंदर रहता है एम्ब्रियो, इसलिए इसको बोला जाता है सीड इज ए हाउस ऑफ बेबी प्लांट। सीड को बेबी प्लांट का हाउस बोला जाता है क्योंकि सीड्स के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म, सीड कोट, ओवरी, वो सबसे बनता है। सीड्स का दो काम होता है, एक है प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन कर रहा है सीड्स, दूसरा एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एम्ब्रियो के जर्मिनेशन, एम्ब्रियो से प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए सीड्स से ही न्यूट्रिशन पाते हैं छोटी सी प्लांट्स। इस टाइप से ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे सीड हैबिट की ओर बढ़ता गया प्लांट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ सीड प्लांट, सीड प्लांट्स का कैरेक्टर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दो ग्रुप्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें सीड्स पाया जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, सीड के चारों ओर कवर नहीं होता, और एंजियोस्पर्म जो है उस चारों तरफ से कवर से बंद रहता है, बीच में सीड्स रहता है। ठीक है, तो ये सब प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बहुत ही वेल डेवलप प्लांट्स होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप प्लांट्स होते हैं। इसमें हार्प, सार्प, ट्री, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल टाइप का प्लांट्स मिलता है। ठीक है, हार्प मतलब छोटा प्लांट, सार्प मतलब मीडियम साइज प्लांट, ट्री मतलब बड़ा प्लांट, एनुअल मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। ठीक है, ये सब चीज़ें रूट, स्टेम, लीफ बहुत ज़्यादा डेवलप होता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का।
जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट रहते हैं और फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल एब्सेंट रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर से जिम्नोस्पर्म में बनता है कोन, मेल कोन एंड फीमेल कोन बनता है उसमें। ये एंजियोस्पर्म पे पूरी तरह से अलग होता है एंजियोस्पर्म से, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में क्या बनता है, फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट, फ्रूट के बाद सीड्स, ठीक है। सीड प्लांट्स ऑलवेज हेट्रोस्पोरस रहता है। सीड्स प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि हेट्रोस्पोरस रहते ही है, मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स रहते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स, कुछ छोटा कुछ बड़ा होता है, ठीक है। पोलेन ग्रेन्स, हम लोग फूल फ्लावर के एंजियोस्पर्म फ्लावर के डेवलपमेंट में भी देखे हैं कि छोटे छोटे पोलेन ग्रेन्स रहते हैं जो माइक्रोस्पोर्स के समान होता है, ठीक है। जो ओव्यूल रहते हैं उसको मेगास्पोरेंजियम के अंदर उसको माना जाता है मेगास्पोर्स, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म पर एक और एक कैरेक्टर क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर कि इसमें कई एम्ब्रियो पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कैरेक्टर जो है पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत कई टाइप के एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी कैरेक्टर प्रेजेंट। और पॉलिनेशन दोनों में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में एयर वाटर इंसेक्ट एनिमल से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये था सीड प्लांट का कैरेक्टर। अब हम देखेंगे हेट्रोस्पोरियन सीडाबीट। ज़्यादातर टेडोफाइटा में दो टाइप के, पहले जितने प्रिमिटिव टेडोफाइटा था उसमें सिंगल एक ही टाइप के स्पोर्स होता था जो पूरे स्पोरेंजियम के अंदर बनता था, सब एक एक टाइप के स्पोर्स बनता था। इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, या होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप के स्पोर्स, कोई अलग अलग स्पोर्स का साइज सेम डिफरेंस नहीं। इस टाइप का जो कैरेक्टर होता है, प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है होमोस्पोरी। इसमें डेवलप स्पोर का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप से होता है। स्पोरेंजिएट मतलब एक ही सेल के डिवीजन से पूरा स्पोरेंजियम स्पोर्स बनना, ठीक है। स्पोर्स डेवलप होता है स्पोरेंजिया में, लाइकोपोडियम इक्यूसिटम फर्न इसका एग्जांपल है, ठीक है। बाद में कुछ टेडोफाइट्स जो है उसमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स देखा गया, जिस स्पोर्स का साइज अलग, स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन अलग, डेवलपमेंट भी अलग, ठीक है। मेगा स्पोर जो है दो टाइप के स्पोर्स देखा गया, माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट पूरी अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, इसका भी डेवलपमेंट साइज स्ट्रक्चर फंक्शन सब अलग होता है। ये दो टाइप के स्पोर्स जो है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स, ठीक है। मेगा स्पोर्स बड़ा होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और माइक्रोस्पोर्स जो है उस डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। इसमें ओव्यूल का डेवलपमेंट जो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, स्पोर्स डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया में होता है, ठीक है। और इसके बाद स्पोरोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट अल्टरनेशन इसमें चलता रहता है। अकॉर्डिंग टू रसीद साइंटिस्ट थे जिसके हिसाब से 9 जेनेरा टेरिडोफाइट्स में ऐसा पाया गया जिसमें हेट्रोस्पोरस पाया गया, मतलब दो टाइप के स्पोर्स पाया गया, जैसे सिलेजिनिला, आइसोटीस, स्टाइलाइटिस, मार्सिलिया, पिन्यूलेरिया, रेग्नेलिडियम, ठीक है, साल्विनिया, एजोला, प्लेटीजुमा। ये 9 स्पेसीज ऐसा पाया गया जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाया गया, मतलब दो टाइप के स्पोर्स, मतलब ये थोड़ा डेवलप, बाकी होमोस्पोरस जो है प्रिमिटिव हैबिट और ये थोड़ा डेवलप हैबिट है, ठीक है। तो मतलब टेंडेंसी टुवर्ड्स द एडॉप्टेशन ऑफ फीचर्स ऑफ सीड, इसमें धीरे धीरे सीड के डेवलपमेंट की ओर जाने की टेंडेंसी होता है, इसी को बोला जाता है सीड हैबिट। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है पूरी तरह से स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और स्पोरोफाइट से ही अपना फूड मटेरियल जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसा माना जाता है कि हेट्रोस्पोरी जो है उस सीड हैबिट की ओर जाता हुआ दिखता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसमें देखे थे, सिलेजिनिला में सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हेट्रोस्पोरी पाया जाता है। उसके पहले तक जितना भी टेडोफाइट था उसमें हेट्रोस्पोरी कैरेक्टर पाया नहीं जाता, इसलिए होमोस्पोरी को प्रिमिटिव माना जाता है, हेट्रोस्पोरी को थोड़ा एडवांस माना जाता है। सबसे पहले हम लोग सिलेजिनिला को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि सिलेजिनिला अच्छे से देखने से ही हमको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सिलेजिनिला के जो लाइफ साइकिल में हम लोग सुने हैं कि दो टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स। इस टाइप के सिलेजिनिला के जो प्लांट बॉडी रहता है उसके सबसे ऊपर बहुत सारे ग्रुप ऑफ लीफ एक जगह जमा होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिला। इस स्ट्रोबिला में दो टाइप के लीफ रहते हैं,
कुछ लीफ जिस लीफ में स्पोर पाया जाता है उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। ठीक है, तो इस टाइप के जो लीफ होता है इसमें दो टाइप ऐसे ऊपर की ओर एडजस्ट रहते हैं। ठीक है, किसी किसी में पूरे एक साइड माइक्रोस्पोरिंजिया पाए जाते हैं, किसी में एक साइड में पूरा मेगास्पोरिंजिया, और किसी किसी में इतना माइक्रोस्पोरेंजिया ऊपर की ओर मेगास्पोरेंजिया, किसी किसी में नीचे मेगास्पोरेंजिया ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब बहुत अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट रहता है। लेकिन दो टाइप के स्पोर्स रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स रहते हैं, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स रहता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया जो है बड़ा होता है साइज में, लीफ के एक्सिस में पाया जाता है। जो लीफ है लीफ के एक्सिस में स्पोरेंजिया पाया जाता है, दोनों में, माइक्रो हो या मेगा हो। ठीक है, मेगा में बड़ा स्पोरेंजिया पाया जाता है, माइक्रो माइक्रो में छोटा, और मेगा में बड़ा स्पोरेंजिया पाया जाता है। माइक्रो के अंदर बहुत सारे एक ही साइज के स्पोर्स रहता है जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर चार बड़े बड़े स्पोर्स रहते हैं जिसमें एक फंक्शनल हो जाता है, बाकी तीन खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस टाइप से बहुत सारा माइक्रोस्पोर्स बनता है। डेवलपमेंट को हमको नहीं देखना है, बस बहुत सारा माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है दो लेयर रहता है इसके बाहर। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा मियोसिस डिवीजन से बहुत सारा माइक्रोस्पोर्स बनता है। और मेगास्पोरेंजिया बड़ा सा मेगास्पोरेंजिया होता है, उसमें चार मेगास्पोर्स रहते हैं लेकिन एक फंक्शनल रहता है, बाकी पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, इसमें भी दो लेयर से ढका रहता है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर रहता है मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर्स से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स से बनता है मेल गैमेटोफाइट, बस इतना ही हमको जानना है। ठीक है, जैसे स्पोर्स स्पोर्स में फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है आर्किगोनिया। ठीक है, ऐसे मेल जो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसका डेवलपमेंट हेटरोस्पोरस में कैसे बनता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बाद फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो रहते हैं उससे नया प्लांट्स बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम पता चल गया हमको, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स रहता है मेगास्पोरेंजियम उसको बोलेंगे, जिसके अंदर मेगास्पोर्स रहता है इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के फंक्शन मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म, बहुत सारा माइक्रोस्पोर्स बनता है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल रहता है, और बहुत चार मेगास्पोर्स बनता है, एक उसमें फंक्शनल रहता है, बाकी तीनों खराब हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सिलेजिनल के स्पेसीज अलग अलग भी देखा गया है, जैसे सिलेजिनिला स्टेनोफाइला, इसमें दो मेगास्पोर जो है लार्जर, जो चार मेगास्पोर रहता है इसमें दो बड़ा बड़ा और दो छोटा छोटा मेगास्पोर्स देखा गया। ठीक है, सिलेजिनिला मेलिसेप्स, इसमें ऐसा देखा गया कि एक मेगास्पोर्स जो है लार्जर होता है, बाकी तीनों मेगास्पोर्स जो है छोटा छोटा होता है और बाद में ख़राब हो जाता है। सिलेजिनिला एरिथ्रोपस, इसमें एक ही सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, और सिंगल मेगास्पोर बनता भी है, सिंगल ही मेगास्पोर बनता है, उससे ज़्यादा मेगास्पोर बनता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये सीड हैबिट की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि मेगास्पोर्स जो है उसमें उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर ओवरी रहेगा, ओवरी में ओव्यूल बनेगा, और ओव्यूल से बनता है सीड्स। ठीक है, तो जिसमें एक मेगास्पोरेंजिया फंक्शनल रहता है, एक मेगास्पोर्स, उसको पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि वो सीड हैबिट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, विलियम एंड स्कॉट 1894 में सबसे पहले बोले थे कि दो ऐसे स्पेसीज है जिससे सीड हैबिट की शुरुआत होता है, ऐसा पता चला, जैसे कैलेमोस्टैकिस कैसियाना और कैलेमोस्टैकिस बिनायाना, ये दो स्पेसीज विलियम एंड स्कॉट खोजे थे, जिसने बोले कि इस हेटरोस्पोरी की शुरुआत इससे पता चलता है। कैलेमोस्टैकिस कैसियाना जो है उसमें दो टाइप के माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स पाया जाता है, लेकिन दोनों ज़्यादा ज़्यादा, जैसे माइक्रोस्पोर्स भी बहुत ज़्यादा पाया गया,
और मेगास्पोर्स भी बहुत ज़्यादा। इससे क्या पता चल रहा है कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर एक ही टाइप का हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि माइक्रोस्पोर जब कम होगा तब मेगास्पोर्स स्पोर्स जो है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और मेगास्पोर्स बनेगा, ऐसा माना जाता है। और कैलेमोस्टैकिस बिनायाना जो है उसमें बहुत सारा स्पोरेंजिया ऐसा है, इसमें बड़े बड़े साइज के पूरे स्पोर्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स भी बड़े साइज के, मेगास्पोर्स भी बड़े साइज के, लेकिन कुछ में ऐसा बहुत बड़े बड़े मेगास्पोर्स पाया जाता है, मतलब छोटे बड़े दोनों मिक्स है। इससे पता चल गया, क्या पता चल रहा है कि माइक्रोस्पोर से ही हो सकता है मेगास्पोर बना होगा। ठीक है, विलियम एंड स्कॉट को ये दो टाइप के स्पेसिस मिला, इससे उसको बहुत सारा डिसिमिलरिटी दिखा। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में एक में दिखा, जैसे मेगास्पोर बाकी में चार रहता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिखा। और दूसरे में ऐसा दिखा कि सभी दोनों में माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों पाए जाते हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ फॉसिल स्टेरोफाइट्स भी उन लोगों को पता मिला, जिससे उनको ऐसा पता चलता है कि जैसे मैच्योर मेगास्पोरेंजियम लैपिडोकार्पोन और कैलेमोकार्पोन ये दो स्पेसिस मिला। ठीक है, फॉसिल्स टेडोफाइट था जो, ठीक है, उसमें उनको ऐसा लगा कि दोनों में सिंगल मेगास्पोर रहता है, दोनों में सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, कैलेमोकार्पोन और लैपिडोकार्पोन। हेट्रोस्पोरी जो है ओरिजिनेटेड होता है होमोस्पोरी से, इतना पता चल गया कि होमोस्पोरी से ही हेट्रोस्पोरी का डेवलपमेंट हुआ होगा। पहले छोटे छोटे बहुत सारा स्पोर्स था, फिर कुछ स्पोर खराब हो गया जिससे कि बाकी स्पोर्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने से उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया और वो बन गया मेगा स्पोर्स, ऐसे माना जाता है। ठीक है, सम स्पोर्स खराब हो गया और ड्यू टू न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा मिलने से क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया और बन गया मेगा स्पोर्स। तो इस टाइप से हम लोगों को क्या पता चला कि एक सीड के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले दो टाइप का स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। उसके बाद माइक्रोस्पोर्स का नंबर धीरे धीरे कम होता गया जिससे कि फूड न्यूट्रिशन की मात्रा बाकी स्पोर्स को ज़्यादा मिलता गया और साइज बढ़ गया, उससे मेगास्पोर बन गया। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। उसके बाद मेगास्पोर ऐसा ही रहता है जब तक उसके अंदर एक मेगास्पोर है, मेगास्पोर का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के अंदर ओवा ही बन रहा है, ओव्यूल बन रहा है उस, ठीक है, तो उस टाइप से ओव्यूल से बन रहा है सीड्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो मेगास्पोर ऐसा ही रहता है जब तक उसमें सीड नहीं बनता, सीड से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता। बाद में क्या होता है, ऊपर का भाग खुल जाता है, इलाबोरेशन ऑफ द टर्मिनल पोर्शन, ऊपर का भाग खुल जाता है, पोलन ग्रेन्स या मेल माइक्रोस्पोर्स जो है अंदर आता है और अंदर आके फर्टिलाइजेशन से बनता है एम्ब्रियो, बन ओवरी बनेगा, उसके बाद ओवरी से जो फर्टिलाइजेशन से एक बनेगा और इससे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ स्पेसीज ऐसा फॉसिल स्पेसीज पाया गया कि ऐसा देखा गया कि ऊपर का भाग भी खुला हुआ है, माइक्रोस्पोर अंदर जा रहा है, जाने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन रहा है और सीड बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर सफिशियंट न्यूट्रिएंट सप्लाई से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ऐसा धीरे धीरे टेंडेंसी टुवर्ड्स द एडॉप्टेशन ऑफ सीड्स, धीरे धीरे इस टाइप के सीड हैबिट के ओर जाना सीड हैबिट बोला जाता है। ठीक है, सीड्स क्या होता है, ओव्यूल, सीड्स को ऐसा माना जा रहा है कि ओव्यूल से ही सीड्स बनता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें सिलेजेनेला में ऐसा भी पाया गया जिससे माना जा रहा है कि ये सीड इसमें बना नहीं। कैसे पता चलेगा कि मेगास्पोरेंजियम जो सीड्स हम लोग जानते हैं उस चारों तरफ इंटेगुमेंट से ढका हुआ रहता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में हमें क्या देखिए, बीच में न्यूसिलस रहता है, दो इंटेगुमेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें जिन टेडोफाइटा तक ये इंटेगुमेंट नहीं देखा गया था। ठीक है, तो सीड्स जो है सिलेजेनेला में को इसीलिए बोला जा रहा है कि इसमें सीड्स नहीं बनता क्योंकि ये दो इंटेगुमेंट इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, इंटेगुमेंट से सराउंडेड नहीं रहता मेगास्पोरेंजियम। और दूसरा क्या, मेगास्पोरेंजियम जो है पूरी तरह से उतने अच्छे से डेवलप भी नहीं होता जैसे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। थर्ड क्या होता है, जो स्पोरोफाइट्स जैसे गैमेटोफाइट का स्टेज रहता है तुरंत स्पोरोफाइट बन जाता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के बीच में कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं रहता, लेकिन एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स का जो सीड का फॉर्मेशन होता है उसमें रेस्टिंग स्टेज पार करने के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है और रेस्टिंग पीरियड्स में इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल एंड सीड।
हेट्रोस्पोरी के ओरिजिन से अच्छे से पता चलता है कि सीड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसमें तीन टाइप की चीज़ें साइंटिस्ट लोग देखे, एक पैलियोबॉटनिकल एविडेंस मतलब पुराने समय के फॉसिल्स से किस टाइप का डेवलपमेंट का पता चला, वो है डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। पैलियोबॉटनी स्टडीज़, डेवलपमेंटल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, तीनों टाइप के स्टडीज़ से धीरे धीरे सीड का डेवलपमेंट कैसे हुआ पता किया गया। ठीक है, ऐसा पता चला कि सीड्स जो है मेगास्पोरेंजियम ही होता है, लेकिन इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम के चारों ओर इंट्यूगमेंट रहता है। ठीक है, और लास्ट में क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फीमेल गैमेट क्या बनाता है, उसी से बनता है एग और एम्ब्रियो भी बनता है। ठीक है, तो सीडेड प्लांट्स एंड नॉन सीडेड प्लांट्स, ये दोनों के बीच की कौन सा प्लांट्स कनेक्टिंग लिंक होता है वो अभी तक पता नहीं चला। उसके बारे में कोई पता नहीं चला कि कैसे दोनों टाइप के प्लांट्स बहुत पाए गए हैं, लेकिन दोनों के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक वाले प्लांट अभी तक उसका खोज नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ प्लांट्स जैसे निटोप्सिस और कैलेथोस्पर्मम, ये दोनों प्लांट्स टेडोफाइटिक फॉसिल्स वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स के चारों ओर क्यूप्यूल देखा गया। क्यूप्यूल मतलब ये वाला, जैसे सीड्स हैं। ठीक है, सीड्स के चारों ओर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया जिसको बोलेंगे क्यूप्यूल। तो क्यूप्यूल से भी ऐसा पता चल रहा है कि इंट्यूगमेंट का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि चारों ओर ढकने के लिए कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है सिर्फ सीड को कवर करने के लिए। ठीक है, फॉसिल्स रिकॉर्ड से ऐसा स्टडी किया जाता है कि हेट्रोस्पोरस प्लांट्स जो है वो अपर डिवोनियम में नहीं पाया जाता था। ठीक है, अपर डिवोनियम में हेट्रोस्पोरस प्लांट्स नहीं पाया जाता है, लेकिन होमोस्पोरस प्लांट्स जो है अपर डिवोनियम में पाया जाता था, और लोअर कार्बोनिफेरस टाइम जो है उस समय सीड देखा गया। इसका मतलब क्या होता है कि हेट्रोस्पोरस जो है वो बहुत बाद में आया, होमोस्पोरस प्रिमिटिव है, होमोस्पोरस पहले से था। एक इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सीडेड प्लांट्स एंड नॉन सीडेड प्लांट्स के बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्लांट्स के बारे में भी बाद में साइंटिस्ट लोग को पता चला। किस समय, अपर कार्बोनिफेरस फॉर्म में, अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में इंटरमीडिएट स्टेज को भी उन लोग ऐसा पता किए कि ये हो सकता है इंटरमीडिएट स्टेज। कैलेमोस्टिकिस कैसियाना और कैलेमोस्टिकिस अमेरिकाना, ये दो प्लांट्स को ऐसा लगा कि इंटरमीडिएट स्टेज हो सकता है, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर में बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है, और इसमें दोनों में लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स लार्ज नंबर ऑफ मेगास्पोर्स पाया गया। इससे पता चल रहा है कि हो सकता है माइक्रोस्पोर से ही मेगास्पोर बनता है। ठीक है, लैपिडोकार्पोन, लैपिडोस्ट्रोबस, आर्कियोप्टेरिस, लैटिफोलिया और इनिगोफाइटोन, प्रोटोपिटिस, ये सब कुछ प्लांट्स जो है लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड्स में पाया गया। ठीक है, लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड्स में ये सब प्लांट्स पाया गया। ये सभी प्लांट्स में ऐसा देखा गया कि एक ही मेगास्पोर रहता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर्स रहता है। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है, क्योंकि हम लोग एंजियोस्पर्म में देखे हैं कि एक ही मेगास्पोर्स पाए जाते हैं और उस मेगास्पोर्स से ही बाद में फर्टिलाइजेशन से इसके अंदर ओव्यूल बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, इसलिए इसको एडवांस कंडीशन माना जाता है, एडवांस टूवर्ड सीरेबिट ऐसा माना जाता है। कुछ स्पोरेंजियम ऐसा पाया गया जिसमें सिंगल मेगास्पोर्स पाया जाता है और आसपास थोड़ा इंट्रूगमेंट टाइप का ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। ट्रू इंट्रूगमेंट नहीं है, लेकिन इंट्रूगमेंट टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जीनोमोस्पर्मा किड्सटोनाई, ठीक है, ये प्लांट्स है जीनोमोस्पर्मा किड्सटोनाई, ये भी फॉसिल्स है। इसमें ऐसा देखा गया है कि 8 टाइप ऑफ इलेंगोट, इस टाइप का जो प्रोसेस है 8 टाइप का पाया जाता है, 8 इलोंगेटेड प्रोसेस पाया जाता है ओव्यूल के चारों ओर। ठीक है, और पूरी तरह से जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस के चारों ओर कवर किया हुआ है, नीचे की ओर कप शेप बनाए हैं, तो ऐसा पता चल रहा है कि हो सकता है ओव्यूल के चारों ओर जो इंटीगमेंट की शुरुआत इससे भी हुआ होगा, क्योंकि ओव्यूल को चारों तरफ से वो ढके हुए हैं, ऊपर का भाग खुला हुआ है। ठीक है, और ऊपर इस टाइप का एक कप शेप स्ट्रक्चर बन गया जिसमें पोलन कलेक्ट रहता है, पोलन ग्रेन कलेक्ट रहने का एक स्ट्रक्चर भी इसको माना गया। ठीक है, इसके बाद जीनोमोस्पर्मा लैटेंस, ये है जीनोमोस्पर्मा लैटेंस एक प्लांट्स पाया गया है जिसमें ऐसा देखा गया कि इंट्यूगमेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जो ऊपर की ओर खुला है
और नीचे की ओर फ्यूज्ड है, ठीक है, एपिक्स की ओर फ्री रहता है, नीचे की ओर फ्यूज्ड है। इससे पता चला कि और एक स्टेज आगे इंटीग्रमेंट का स्ट्रक्चर बना होगा। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाया गया जिससे ऐसा लगता है कि सीड लाइक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट इससे शुरुआत हुआ। कार्बोनिफरस पीरियड्स में जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसे पाया गया कि बहुत सारे अपेंडिजेस इस टाइप का पाया जाता है और न्यूसिलस के नीचे कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है फ्यूज्ड होके आपस में, ठीक है। इस टाइप से धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलने लगे जिससे कि पता चलता है कि सीड्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे टेरिडोफाइटा से ही शुरू हुआ है और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड सीड, मतलब कुछ थ्योरीज दिया गया इसके सीड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ओलिवर एंड स्कॉट सबसे पहले लेजेनोस्टोमा लैमेक्सी ओव्यूल टेरिडोफाइटा के लेजेनोस्टोमा लैमेक्सी ओव्यूल पर रिसर्च की, ठीक है, 1903 में। उसके बाद कुछ थ्योरीज बना। सबसे पहला थ्योरी है बेंसन व्यू और सिनेंजियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेंसन ने 1904 में टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल क्या है और उसका इंट्रूमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ सबसे पहले दिए। उसने क्या बोले कि ये ओव्यूल जो होता है एक सिनेंजियम होता है, ठीक है। सिनेंजियम का मतलब है बहुत सारी चीज़ एक साथ जमा हो जाना। बीच में एक स्पोरेंजियम पाया जाता है, सेंटर में एक स्पोरेंजियम पाया जाता है, उसको चारों ओर बहुत सारे स्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम उसको चारों ओर घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम उसको घिरे हुए रहते हैं वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब जैसे दो टाइप के ब्रांचेस पाए जाते हैं, एक को हम बोलेंगे स्टेराइल जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, और दूसरे टाइप के ब्रांचेस में स्पोरेंजियम पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे फर्टाइल ब्रांचेस, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता इस टाइप के जो ब्रांचेस होते हैं उसको चारों ओर से घिरे हुए रहता है, उस टाइप के स्पोरेंजिया से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, ये इवोल्यूशन होता है और फ्यूज़न के बाद ये जुड़ जाता है न्यूसिलस के साथ और इसी टाइप से इंटीग्रमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं क्या बोले, सबसे पहले बीच में एक स्पोरेंजियम रहता है, उसके चारों ओर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम घिरे हुए रहते हैं। जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इसको चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं वो स्टेराइल होता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम जो है इवोल्यूशन के साथ साथ और फ्यूज़न होने से इसके साथ जुड़ जाता है और इंटीग्रमेंट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बेंसन ने ऐसा बोले। वॉल्टन 1953 में उसने बेंसन के जो विचार हैं उसको सपोर्ट किए, ठीक है, उसको सपोर्ट किए, लेकिन उसने बोले कि चारों तरफ से घेरने वाले जो चीज़ होता है वो स्पोरेंजियम नहीं होता, स्पोरेंजियम से चारों तरफ नहीं घिरता है, इससे घिरता है स्टेराइल टीलोम से और नॉर्मल ब्रांच टिप से। जो सिंपल नॉर्मल जो ब्रांच का टिप रहता है, ऊपर वाला भाग रहता है, उससे स्पोरेंजियम चारों तरफ घिरा हुआ रहता है या स्टेराइल टीलोम। स्टेराइल टीलोम के बारे में अभी बोला गया कि ये एक ब्रांचिंग है, दो टाइप के ब्रांचेस पाए जाते हैं, तो जिसमें स्पोरेंजिया रहता है उसको फर्टाइल टीलोम बोलेंगे और जिसमें स्पोरेंजिया नहीं रहता उसको स्टेराइल टीलोम बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेराइल टीलोम से घिरा रहता है या किससे घिरा रहता है, ब्रांच नॉर्मल जो ब्रांच होता है उसके ऊपर के भाग से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, स्पोरेंजिया से घिरा हुआ नहीं रहता, ये वॉल्टन ने बताया, ठीक है। ये था बेंसन व्यू और सिनेंजियल कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यूसिलर मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट, इसको दिए थे एंड्रयूज 1961 में, ठीक है। उसने लेजेनोस्टोमिलियल इंटीग्रमेंट, ठीक है, जो कुछ टेरिडोफाइटा जिसका नाम है लेजेनोस्टोमिलियन इंटीग्रमेंट, उस इंटीग्रमेंट के बारे में बताया कि किस टाइप का उसमें इंटीग्रमेंट बनता है, ठीक है। तो उसने स्टोरोप्टेरिस बार्साइटिस लैंडिका, एक फर्न का नाम है, ठीक है, टेरिडोफाइटा में एक फर्न है जिसका नाम है स्टोरोप्टेरिस बार्साइटिस लैंडिका, उसके ऊपर काम किए। उसने देखे कि इसमें भी हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं, हेट्रोस्पोरस मतलब दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेराइल पार्ट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम वास्कुलराइज्ड, ये जो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, इसके मेगास्पोरियम का जो नीचे वाला भाग होता है उसने देखे, इसको हम बोलेंगे स्टेराइल पार्ट क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ये पार्ट भाग नहीं लेता, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम का ये स्टेराइल पार्ट जो होता है ये वास्कुलराइज्ड हो जाता है,
फास्फोराइज मतलब जैसे स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऊपर के भाग जो है उसमें एक छोटा सा ओपनिंग बन जाता है, ऊपर का भाग खुल जाता है उसमें एक छोटा सा ओपनिंग बन जाता है मेगास्पोरेंजियम का ऊपर का भाग, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम लंबा थोड़ा लंबे हो जाते हैं और ऊपर का जो भाग होता है वो पॉइंटेड हो जाता है, ठीक है। और नीचे के जो हाफ है, इस हाफ में स्टेराइल स्पोरेंजियम जो है उसमें न्यूट्रिशनल रिजर्वायर का काम करते हैं। न्यूट्रिशनल रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, आधा से ज़्यादा हाफ जो है स्पोरेंजियल उस न्यूट्रिशनल रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशन मटेरियल फूड मटेरियल कलेक्ट रहता है, बोल सकते हैं फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं और मेगा स्पोरेंजियम को सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोले, सबसे पहले इसने बोले कि जो मेगा स्पोरेंजियम रहता है, ठीक है, उसका स्टेराइल पार्ट से घिरा हुआ रहता है और स्टेराइल पार्ट जो है उसमें वास्कुलराइजेशन हो जाता है। सेकेंड क्या बोले, इसको ऊपर की ओर छोटा सा ओपनिंग बन जाता है और पॉइंटेड हो जाता है ये ओपनिंग, ठीक है, ऊपर का भाग जो है पॉइंटेड हो जाता है। इसके बाद क्या है, नीचे का जो भाग होता है आधा से ज़्यादा भाग जो है वो स्टेराइल पार्ट होता है, उसमें न्यूट्रिशनल मटेरियल स्टोर रहता है जो कि मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल के डेवलपमेंट में पूरे टाइम न्यूट्रिशन भेजते रहते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये था न्यूसेलर मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट। अब वॉल्टियर एंड्रयूज दोनों मिलके, वॉल्टर एंड एंड्रयूज दोनों मिलके कुछ ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ सीड्स के बारे में कुछ व्यू दिए, ठीक है। उसने क्या बोले, सबसे पहले ओव्यूल एंड सीड के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या हो जाता है, मेगास्पोर का रिडक्शन होता है। मेगास्पोर का रिडक्शन मतलब जैसे चार मेगास्पोर रहता है, तीनों नॉन फंक्शनल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, एक मेगास्पोर एक्टिव होकर काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सिंगल मेगास्पोर। उसके बाद है इसके साइज बढ़ता है, तीनों खराब हो जाएगा तो एक मेगास्पोर रहने से उसको न्यूट्रिशनल मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा या साइज में बढ़ जाएगा, साइज में बढ़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर, जो मेगास्पोर फंक्शनल रहता है वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, नीचे की ओर आ जाता है स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर रहते हैं हम लोग जानते हैं, तो स्पोरेंजियम के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो नीचे की ओर आ जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वास्कुलर स्ट्रैंड, नीचे का जो भाग है जो स्टेराइल पार्ट हम लोग पहले देखे थे वो उसमें वास्कुलराइजेशन हो जाता है, तो वास्कुलर स्ट्रैंड जो है डिवाइड होके कई शाखा प्रशाखा बनाता है, बहुत सारे ब्रांचेस बनाता है, ठीक है। और ये ब्रांचेस इसके आसपास पूरा सेट हो जाता है, सेट होके बाद में फ्यूज हो जाता है और इंटीगुमेंट का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से इंटीगुमेंट का डेवलपमेंट हुआ होगा ऐसा माना जाता है, वॉल्टर एंड एंड्रयूज ने ऐसा ही सजेस्ट किए, ठीक है। इस टाइप के जो स्पोरेंज, कुछ ऐसा स्पोरेंजियल वॉल देखा गया कि जिसमें इस टाइप का पाया जाता है, इस टाइप का पूरा स्पोरेंजियल वॉल एक टेडोफाइटा से मिलता जुलता है जिसको हम बोलेंगे ट्राइगोनोकार्पेलियन, ठीक है, ट्राइगोनोकार्पेलियन ओव्यूल में ऐसा देखा गया है, ठीक है। और ग्रोथ एंड लोबिंग ऑफ एपेक्स, ऊपर का भाग जो है इसमें भी ग्रोथ एंड डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है और इसमें लोब बन जाता है, उस टाइप का जो ओव्यूल है उसको क्या बोलेंगे हम, लेजेनोस्टोमेलियन टाइप ओव्यूल, क्योंकि इंटीगुमेंट फ्यूज हो जाता है पूरी तरह से न्यूसेलस के साथ और ऊपर का भाग जो है ग्रोथ एंड डिवीजन करने लगता है, माइक्रोपाइल बनने लगता है, ठीक है। इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, लेजेनोस्टोमेलियन टाइप। सबसे पहले मेगास्पोरिन, चार मेगास्पोर में तीन खराब हो जाता है, एक एक्टिव होकर काम करने लगता है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगता है, साइज में बड़ा हो जाता है, उसके बाद ये नीचे की ओर आ जाता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। उसके बाद क्या होता है, इसके नीचे के जो वास्कुलराइज पार्ट होता है उसमें बहुत सारा शाखा प्रशाखा निकलता है और इसको चारों ओर से घेर लेते हैं, घेर के वो बाद में फ्यूज हो जाता है और इंटीगुमेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये था वॉल्टर एंड एंड्रयूज का ढेर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टीलोम कॉन्सेप्ट। एंड्रयूज ने ही बाद में बताया कि नहीं, इस ए भी इस टाइप से भी डेवलपमेंट होता होगा और थोड़ा दूसरी टाइप का भी होता होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टीलोमिक कॉन्सेप्ट। इसको टीलोमिक कॉन्सेप्ट को उसने कब दिए, जब उसको दो फॉसिल टेडोफाइटा मिला सिल्यूरियन पीरियड में, उसको दो टेडोफाइटा और मिला, ठीक है। एक है हिडेया कोरिम्बोसा, हिडेया
कोरम्बुसा और दूसरा है स्टोरोप्टेरिस बर्नस्टिलेंडिका। ये दोनों टाइप के फॉसिल्स टेडोफाइट्स उसको मिला। ठीक है, इस फॉसिल टेडोफाइट्स के बाद वो थोड़ा सा अपने व्यू को चेंज किए। उसने क्या बोले कि बहुत सारा क्लस्टर ऑफ फर्टाइल एंड स्टेराइल टीलोम होता है। इस टाइप से टीलोम के बारे में मैं पहले बताई हूँ, एक ऐसे ब्रांचेस पाया जाता था, पहले ऐसा माना जाता था फॉसिल्स रिकॉर्ड देख के टेडोफाइटा में, इसमें दो टाइप के ऐसे ब्रांचेस रहते थे जो डाइकोटोमसली ऐसे निकलता था। कुछ में स्पोरेंजिया पाया जाता था जिसको बोला जाएगा फर्टाइल टीलोम, और कुछ में स्पोरेंजिया नहीं पाया जाता था उसको बोला जाता था स्टेराइल टीलोम। ठीक है, तो टीलोम थ्योरी में ऐसा बोला जा रहा है कि फर्टाइल टीलोम और स्टेराइल टीलोम दोनों चारों ओर से स्पोरेंजियम को घेर लेते हैं, ऐसे बीच में स्पोरेंजियम रहता है और उसको चारों ओर से स्टेराइल टीलोम एंड फर्टाइल टीलोम जो है चारों ओर घिरा हुआ रहता है। ऐसे क्लस्टरिंग ऑफ स्टेराइल एंड फर्टाइल टीलोम चारों तरफ एकदम बहुत सारा शाखा प्रशाखा पूरा जमा हो जाता है स्पोरेंजियम के चारों ओर, बीच में रहता है सेंट्रल स्पोरेंजियम। ठीक है, अब क्या होता है चारों ओर के जो स्टेराइल टीलोम रहते हैं वो स्टेराइल टीलोम चारों ओर से घिर के बाद में फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, इसको चारों ओर से घेरने के बाद ये फ्यूज्ड हो जाता है। ऐसे फ्यूज्ड होने के बाद इसमें इसी टाइप से इंटेगुमेंट बना होगा ऐसा माना जाता है स्पोरेंजियम के चारों ओर। उसके बाद कुछ स्टेराइल टीलोम जो है बाद में और फ्यूज्ड होके बनाता है क्यूप्यूल। क्यूप्यूल मतलब ऐसे ही जैसे चारों ओर से स्टेराइल टीलोम घिरा हुआ है, और इसके बाद इस टाइप के भी कुछ ब्रांचेस दोनों साइड में देखा जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे क्यूप्यूल। हाँ, इसके बाद क्या होता है दोनों टाइप के इंटेगुमेंट क्यूप्यूल के फ्यूजन से सेकेंडरी इंटेगुमेंट बना होगा, और फर्टाइल पहला इंटेगुमेंट जो है स्टेराइल और फर्टाइल टीलोम फ्यूजन से बना होगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस टाइप से दो इंटेगुमेंट बन जाता है, दोनों इंटेगुमेंट फ्यूज हो जाता है। ये है बीच में स्पोरेंजिया, इसको चारों ओर दो इंटेगुमेंट रहता है और इसके बीच में ओव्यूल एंड सीड्स रहता है, और ऊपर का भाग जो है स्पोरेंजियम लंबाई में बड़ा हो जाता है, ऊपर का भाग खुल जाता है, ओपनिंग बन जाता है उसमें, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। ठीक है, पोलन ग्रेन कैचिंग डिवाइस भी इसमें डेवलप हो जाता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से बीच में ओव्यूल रहेगा और उसके चारों ओर स्टेराइल टीलोम एंड फर्टाइल टीलोम जो है फ्यूज्ड हो जाता है, और उसके बाद क्यूप्यूल भी बन जाता है, बाद में क्यूप्यूल भी फ्यूज हो जाता है, पहला इंटेगुमेंट बना दूसरे में सेकेंडरी इंटेगुमेंट बन जाता है। ठीक है, क्लस्टरिंग ऑफ फर्टाइल एंड स्टेराइल टीलोम, उसके बाद क्या हो जाता है पेरिफेरल स्टेराइल टीलोम जो है उस चारों तरफ से जाल जैसा फैल जाता है ऐसे और फ्यूज हो जाता है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है जी, इस टाइप से फ्यूज होने के बाद क्यूप्यूल का डेवलपमेंट होता है, क्यूप्यूल भी फ्यूज हो जाता है तो दूसरा इंटेगुमेंट भी बन जाता है, ऊपर माइक्रोपाइल बन गया और नीचे पोलन ग्रेन कैचिंग डिवाइस बन गया। ठीक है, ये था टीलोम थ्योरी। इसके बाद वाला थ्योरी है कैम्पेन हॉवर्ड्स व्यू, कैम्पेन हॉवर्ड्स व्यू जो 1963 में दिया गया था। ठीक है, ये थ्योरी दिया गया था एरिस्टोमा एंगुलियर इस टेडोफाइटा को देखते हुए, ये भी एक टाइप के फन होता है, उस फन जब फॉसिल्स मिला तब उसको देख के व्यू दिया गया कैम्पेन हॉवर्ड्स व्यू। ठीक है, इसने क्या बोले कि स्पोरेंजियम जो होता है टर्मिन मतलब स्टेराइल ब्रांचेस से होता है ऐसा नहीं, इस स्पोरेंजियम से ही होता है जो लेटरल ब्रांचेस निकलता है। ठीक है, स्पोरेंजियम बॉर्न, स्पोरेंजियम कैसे ओव्यूल कैसे फॉर्म होता है कि स्पोरेंजियम जिसमें पाया जाता है उस टाइप के जो लेटरल ब्रांचेस चारों ओर से स्पोरेंजियम को घेरने के बाद डाइकोटोमसली ब्रांचेस से होता है, मतलब ऐसा ही सिम टीलोम थ्योरी जैसा ही है। ठीक है, स्पोरेंजियम कैसे बनता है कि टर्मिनली जिस टाइप का स्पोरेंजियम बना हुआ जो टीलोम होता है फर्टाइल टीलोम और स्टेराइल टीलोम दोनों चारों ओर से घेर लेता है, उसके लेटरल ब्रांचेस से भी होता है जिसमें डाइकोटोमसली ब्रांच पाया जाता है। डाइकोटोमसली मतलब एक जगह से दो ब्रांच निकलना, मतलब डाइकोटोमसली ब्रांच के घेरने से भी होता है और स्पोरेंजियम वाले लेटरल ब्रांचेस के घेरने से भी इंटेगुमेंट बनता है। ठीक है, चारों ओर से स्पोरेंजियम को सब घेर लेते हैं और फ्यूजन से बनता है। ये टू इंटेगुमेंट जो है डाइकोटोमसली ब्रांचेस के बाद और टर्मिनल स्पोरेंजियम से भी बनता है,
ठीक है, और क्यूप्यूल ओरिजिनेटेड बाय कॉन्डेंसेशन ऑफ डायकोटोमस, ये डायकोटोमसली जो ब्रांचेस होते हैं इसका कॉन्डेंसेशन हो जाता है, ठीक है, ये दोनों एक जगह जमा होकर इस पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है और इससे बनता है क्यूप्यूल। इस टाइप से दो इंटीग्रूमेंट भी बन गया, क्यूप्यूल भी बन गया, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है, जो ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोरेंजियम बॉर्न टर्मिनली लैटरल ब्रांच और डायकोटोमसली जो ब्रांचिंग होता है वो सब के फ्यूजन से बनता है। और क्यूप्यूल कैसे बनता है, डायकोटोमसली ब्रांच के फ्यूजन से क्यूप्यूल बनता है, ठीक है। और कॉन्डेंसेशन ऑफ डायकोटोमसली ब्रांच, डायकोटोमसली ब्रांच जो होता है उसका कॉन्डेंसेशन से हो जाता है। टिलोम थ्योरी जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है। अब है मार्टिन्स व्यू। मार्टिन्स व्यू में ऐसा बताया गया कि ओरिजिन ऑफ ओव्यूल जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस स्टेरोफाइट से हुआ। सेम ऐसा ही जो पहले से हम लोग एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं कि दो टाइप के स्पोर्स रहते हैं, एक में सेम टाइप का साइज वाला स्पोर्स जिसको होमोस्पोरस बोलेंगे, एक में बड़ा बड़ा स्पोर्स जिसको क्या बोलेंगे, हेटरोस्पोरी। जब छोटा स्पोर वाला और बड़ा स्पोर वाला दोनों टाइप के स्पोर वाला स्पोरेंजिया जब एक ही प्लांट्स में डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरोस्पोरस। तो इस टाइप के हेटरोस्पोरस स्टेरोफाइटा से ही ओव्यूल का ओरिजिन हुआ। कुछ प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म ऐसे पाया गया जिसमें ऐसा देखा गया कि ओव्यूल के बीच में कैलोस का फॉर्मेशन होता है। कैलोस मतलब लिक्विड कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन हो जाने से क्या होता है, ओव्यूल जो है न्यूसिलस से अलग होने लगता है। बाद में धीरे धीरे कैलोस जो है खराब होता गया, कैलोस सेक्रेशन जो है कम होता गया, बाद में कैलोस सेक्रेशन पूरी तरह से बंद हो गया और फिर न्यूसिलस के साथ ओव्यूल जुड़ गया, ठीक है, फ्यूज्ड हो गया। इस टाइप से बहुत सारे व्यू किससे पता चलता है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रूमेंट एंड सीड्स कैसे बना, इसका पता चल जाता है।